subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई मालवानी में सार्वजनिक शौचालय तोड़ने को लेकर हमने वहां के नगर सेविका सलमा आलमेलकर से बात की। उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा, देखिए काशिफ जैदी की इस रिपोर्ट में। न्यूज 13 टीम भाई है वार्ड 48 के नगर सेविका सलमा आपा के पास और 59 में जो संडास टूटी हुई है उस विषय पे हम बात करने आए। जैसे कि 59 में आपने जो संडास तोड़ी है वो कब तक आप तैयार करेंगे? देखो 59 के रहवासी को मैं बोलती हूँ सलमा आपा, क्योंकि ये काम क्यों लेट हुआ है, जो हमारे जो घर में संडास बनाए है लोगों ने, उन लोग ने लाइन डाला है उसमें और वो अभी तोड़ेगा तो पूरा संडास रोड पे हो जाएगा। तो हम लोग क्या सोचे कि उसको पहला लाइन डाल के दे देंगे और वो संडास की लाइन जिसके घर में है वो उसमें हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इसके वजह से हम लोग लेट किया। और ये आरसीसी काम है, ये क्या अपना कोई ईट का भनकाम नहीं है कि ताबड़तोक बन जावे। इसको आरसीसी बनाएंगे, इसको पानी लगता है, 15 दिन पानी मार के रखता है। ये जल्दी मैं करूंगी तुम्हारा जल्दी से जल्दी, तुम्हारा एक संडास तोड़ा है मैं, एक रखा है क्योंकि पब्लिक को जाने के लिए। तो सबके घर में, आधे लोग के घर में तो संडास है, तो फुकट का बवाल राजनीतिक क्यों कर रहे तुम लोग? वहाँ के स्थानीय लोग बोले हैं कि मतलब एक संडास जो तोड़ा है आपने और दूसरा संडास जो है मौजूद है वो भी बहुत गंदा है और वहाँ का जो उसमें से जो पानी आता है, गंदा पानी, वो आसपास में जाता है, उसके लिए वो संडास की मेन और लाइन में ज्वाइंट है। कुछ भी हो तो मेरे को बोलो ना, तुम लोग नहीं करते तो बात अलग है, कोई राजनीतिक नहीं करने का पॉलिटिकल। ये जो हम नगर सेविका इतना हमारे एरिया का देख देख के काम करती, मैं आज कैसे रोड बनाए, गटरे बनाए, चल सकते ना तुम लोग अच्छे एकदम फर्स्ट क्लास हो गए ना, गंदगी में रहते थे तुम लोग, इतना काम करने के बावजूद भी तुम लोग को थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हो सकता है। वहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं कि एक महीने से संडास टूटी भी है और आप वहाँ पर आके बिल्कुल भी झाके नहीं है, उसके बारे में आपका क्या? आज तो 20 दिन हुआ है तोड़ के और आप घर बनाने जाओ कितना दिन लगता है? तो ये आरसीसी काम है, ये ईट का भानकाम कल तोड़ा और बन गया, आज तुम लोग घर बनाने जाते थे महीना दो दो महीना दूसरा ठिकाने रूम लेना पड़ता है क्या? तो वो जल्दी काम चालू हो जाएगा। हमारा भी कोशिश है कि गाड़ी उधर आने के लिए तकलीफ होती है, तो अभी राबिट उठाएगा वो लोग, अभी तुम्हारा मैं राबिट उठाऊंगी संडास तोड़ूंगी तो तुम्हारे जितने जो घर में पाइप डाले ले वो सब संडास फैल जाएगा। तो उसका हम लोग बंदोबस्त कर रहे हैं, लाइन डालेंगे सीधा और लाइन ज्वाइन करके देंगे, मतलब तो इतना तो बर्दाश्त करना चाहिए ना। आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो लोगों की जो घरों की जो पाइप है वो मेन संडास में गई हुई है, ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ, तो मैंने क्या बोली कि भाई रहने दो लोगों को कि आपने संडास तोड़ा है, जाने की बाहर जाने को उन लोगों को पड़ेगा। इसके वजह से मैं बोली पहला तोड़ो मत और लाइन डाल के देते अपन उसमें और घर की लाइन उसमें ज्वाइन कर देते। डरता है वो, डरता है नगर से वो, मैं तो चल के काम करती हूँ, इतना कोरोना में पब्लिक के साथ मिलके काम करती है। अच्छा, कब तक आप ये मतलब वहां के लोगों की समस्या दूर कर देंगे? ये जल्दी से जल्दी करेगा। आज मैं फोन किया हूँ उसको कि भाई मेरे को राबिट उठाया, ऐसा मालूम नहीं था, मेरे को मालूम पड़ा तो मैं अभी राबिट उठाने को लगा रहे, उसको गाड़ी लगा रहे और जल्दी से जल्दी काम चालू करे। पर लाइन का क्या करने का? अभी लाइन तुम लोग संडास की डाले ले, अभी मैं तोड़ूंगी कल, तो तुम क्या बोलेंगे? देखो सलमा भाई हमारी लाइन तोड़ दिया, हमारे संडास को किधर जाओ मैं? थैंक यू। न्यूज़ 13 मैं काशिफ जैदी कैमरामैन सैयद के साथ, आप देख रहे हैं न्यूज़ 13।